नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो अभी मैं डोडा के बस स्टैंड पे खड़ा हूं, जहां पे ये सामने तस्वीरें इतनी शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। मैं बता दूं पूरे सिटी के अंदर कितने जानवर फिरते हैं, किस तरह से हालत बनी हुई है। ना ही कोई म्युनिसिपल की तरफ से कोई डस्टबिन रखा हुआ है, जहाँ पर कोई सफाई करने वाला भी अपनी गंदगी वगैरह जो है डस्टबिन में डाले, क्योंकि काफ़ी सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। ना ही आम आदमी को बिल्कुल, मैं बता दूं सफाई करने वाले को भी, देख सकते हो आप किस तरह की हालत बनी हुई है। कुछ ही समय पहले डीसी डोडा ने भी आर्डर निकाला था कि इस जगह पे ट्रैफिक जो है एक ही साइड से चले और दूसरी साइड से जो है बंद हो, लेकिन कानून जो है कितनी प्रॉब्लम है आपको भी फेस करनी पड़ती है डस्टबिन ना होने के कारण। यहाँ पे मतलब कि आप सफाई करने वाले हो, मतलब कि आपको इतनी गंदगी उठानी पड़ती है, अपनी जान पे खेलना पड़ता है इस जगह पे। लोग भी गंदे हैं कि डस्टबिन नहीं रखते हैं, डस्टबिन दे के भी वो नीचे का कचरा डालते हैं। तो जितने भी लोग हैं, मुर्गे वाले हैं, जो भी हैं, कचरा जितने आते हैं होते हैं सारे इधर फेंक देते हैं। यहाँ पे जो है गाय है, इनको भी कोई पूछताछ नहीं होती है। हमारे द्वार वाले कुछ नहीं बोलते हैं इनको भी। ये देख सकते हो कितनी भीड़ लगी होती है जानवरों की, लोगों को आसपास में परेशानियां उठानी पड़ती है। इस तरह से साथ में सब्जी वाला भी है, देख सकते हो किस तरह से ये सब्जी बेचता होगा, क्योंकि मक्खियां जितनी भी होंगी सारी इस जगह पे आ जाती होंगी। ये लाइव तस्वीरें आप डोडा बस स्टैंड की देख रहे हो, जहाँ पे ये हालत देख रहे हो। मैं बता दूं आपको कितने जानवर, क्या इस तरह से सब्जी बेचनी कितना मुश्किल होता है आपको इस जगह पे खड़े होके? तो बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मक्खियाँ बहुत चल रही है। तो मतलब कि इतनी परेशानी डस्टबिन ना होने के कारण बहुत ज्यादा परेशानी। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये लोकल लोग हैं यहाँ के, और मैं बोल दूं जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको भी अपनी जान पे खड़ा होके इस तरह की गंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि इस जगह पे मैं बता दूं डोडा का मेन बस स्टैंड है। आसपास देख सकते हो ये तस्वीरें, डोडा का मेन बस स्टैंड है जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और इस जगह पे मैं बता दूं ट्रैफिक के भी कोई सुविधा नहीं है। जिस तरह से पुलिस कुछ समय पहले, पिछले साल मैं बता दूं इस जगह पे पुलिस के कुछ अधिकारी खड़े होते थे ताकि इस जगह से गाड़ियां जो हैं इस साइड के लिए ना जाएं, और ये देख सकते हो कितने जानवर हैं, इस तरह की हालत बनी हुई है। कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं म्युनिसिपल कमेटी डोडा के लिए, क्योंकि इस तरह की हालत बनी हुई है डोडा के मेन बस स्टैंड पे, जहाँ पे म्युनिसिपल के इलेक्शन करवाने के बाद भी मैं बता दूँ इस तरह की हालत देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें मैं इस साइड की दिखा दूँ आपको, गाड़ियाँ भी यहाँ ही से चलती हैं और कितना सामना करना पड़ता है, और इस जगह पे खड़ा होना अपनी जान को जोखिम में डालना, क्योंकि इतनी गंदगी है कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता इस जगह पे। हजारों की तादाद में यहाँ से लोग जाते हैं। और ये कुछ छोटे मोटे दुकानें लगाई हुई हैं कुछ लोगों ने, और इनका भी कहना है कि यहाँ पे गंदगी जितनी फैलाई जाती है इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं उठाया जाता। कुछ ही समय पहले डीसी भी आए थे यहाँ पे, कुछ कहा था उन्होंने डीसी ने कि हाँ जी यहाँ पे पुलिस भी लगाई जाएगी ताकि गाड़ी वगैरह और सिटी में जो है डस्टबिन वगैरह रखे जाएंगे। ऐसा कुछ तो नहीं सुना हमने, लेकिन क्या हो सकता है, आसपास भी हैं यहाँ पे सब्जी वाले। मैं बता दूं आपको रेड़िया वगैरह लगाई हुई इन लोगों ने, और ये गाड़ियाँ देख सकती हो, कोई भी ये गाड़ी देख सकते हो ऑटो, जिस तरह से 9 बजे के बाद कहा था कि इस रास्ते से जो भी है इस साइड के लिए कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, ताकि देख सकते हो गाड़ियों को मुड़ने के लिए जगह नहीं होती है, लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है इस जगह से। ये आसपास जितने भी हैं सिर्फ सब्जी वाले हैं, ये दृश्य देख सकते हो आप। मैं बता दूँ आपको डोडा का मेन बस स्टैंड है ये, और इन जानवरों पे के ऊपर कब कड़ा कदम उठाया जाएगा ताकि सिटी में आम आदमी जो है चल सके। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं इन जगहों से, और ये हालत कितनी शर्मसार करने वाली, ये तो आप दृश्य देख ही सकते हो लाइव तस्वीरें विजुअल जितने भी हैं। फिलहाल इसके ऊपर कड़ा कदम होना चाहिए, म्युनिसिपल की तरफ से भी शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी कि किस तरह की गंदगी फैली हुई है इस जगह पे, ताकि लोग जो हैं
डस्टबिन में गंदगी डालें। आम आदमी को भी इसके ऊपर करना चाहिए कि वो भी गंदगी जो है एक जगह पे रखे, क्योंकि जो सफाई करने वाला है वो भी यहाँ से गंदगी उठा के कहीं अच्छी जगह से, क्योंकि उसकी भी जान जोखिम में डाल के वो इतनी गंदगी उठाता है, क्योंकि आम आदमी यहाँ पे खड़ा होना भी पसंद नहीं करता है, लेकिन ये लोग जो हैं यहाँ पे सफाई करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ सिटी की सफाई की जाती है पूरे एरिया की, तब जाके कहीं साफ सुथरा स्वच्छ भारत अभियान जो है बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आता हुआ है, बिल्कुल दम तोड़ते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जानवर फिरते हैं सिटी के अंदर और आम आदमी जब पैदल चलता है कितना जोखिम उठाना पड़ता है जानवर, और गाड़ी से भी बचना होता है दोनों तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी जान को बचाना पड़ता है। सर क्या कहना चाहोगे, मतलब कि इस तरह से जानवर आवारा फिरते हैं, लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है, और इस तरह से डस्टबिन भी नहीं रखा हुआ है म्युनिसिपल की तरफ से? हाँ जी, यहाँ पर बड़ी फैली हुई है, पूरे शहर की गंद जो है वो यहाँ पे छोड़ दी जाती है, और बारिशों में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हम यहाँ दुकान करते हैं तो यहाँ पे इतनी बदबू फैली होती है कि लोग तो चलते चलते यहाँ मुंह बांध के निकल जाते हैं, लेकिन हमारी तो आदत हो गई, अब हमारी आदत ही बन गई इस बू को लेने की, हमें तो बू लगती नहीं अब, और इससे खदशा हमें कि मैं अपने दुकानदारों को खस्ता भी था कि अगर हम में कोई बीमारी फैल जाए तो तमाम दुकानदारों में एक ही बीमारी होगी, वाले को भी बीमारी फैल सकती है ना, मतलब एक सफाई करने वाला रोजाना गंदगी, कहीं ना कहीं आम आदमी का भी बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि आम आदमी जो है गंदगी पूरे बस स्टैंड में फैला देता है, उसके बाद ना ही म्युनिसिपल की तरफ से डस्टबिन है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने डस्टबिन वगैरह या सिटी की देख रेख रखी जाए। तो यहाँ ये शहर जैसा बना है, लेकिन ये गंद जो है ये शेड में जा नहीं पाती है, ये सड़क पे फैल जाती है और हर जगह फैली हुई है, तो इससे आप खुद ही देख सकते हैं जितने भी जानवर हैं शहर के वो सब मिलके यहाँ आ जाते हैं, और जानवरों की वजह से भी पूरे वगैरह इससे भी बड़ी गंद। समय पहले मई के महीने में डीसी डोडा आए थे, कहा गया था कि पिछले साल जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन थी कि 9 बजे के बाद 4 बजे तक कोई भी एंट्री गाड़ी इस साइड से एंटर नहीं करेगी, फिर भी कोई कानून पे नज़रअंदाज किया गया इस तरह की हालत बनी? कुछ अरसा तक तो वो कानून चलता रहा, लेकिन चंद दिन पहले से आप यहाँ पे ना कोई पुलिस होती ना कोई रोकने वाला होता है, तो इस सिलसिले में नामालूम अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही डील है या क्या है क्या नहीं, ट्रांसपोर्ट की तरफ से डील है, इसमें कोई समझ नहीं आती। डिमांड रहेगी, मतलब जिस तरह से स्वच्छता अभियान की इतनी अडम्बना की जाती थी कि हाँ जी इस तरह से सिर्फ पोस्टरों में रहेगा या फिर कहीं ग्राउंड लेवल पे भी कहीं आएगा ये स्वच्छता अभियान? नहीं, ये तो ग्राउंड लेवल पर भी आना चाहिए था, लेकिन दिखता नहीं है कि आता हुआ। जी हाँ, ये आसपास के दुकानदार हैं जिनका कहना है कि अब तो हम रोज़ाना इस तरह की हालत को झेल रहे हैं, क्योंकि अब तो हमें इस चीज़ की परवाह भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी जो है यहाँ पे आकर खड़ा भी रहना पसंद नहीं करता, लेकिन एक बात बता दूँ आपको, एक सफाई करने वाला रोज़ाना सफाई करता है अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन तक नहीं रखा हुआ है और जानवर इस तरह से चलते हैं, लापरवाही इतनी है म्युनिसिपल की कि पूछे ही नहीं, पूरे डोडा के अंदर गधे दिखेंगे आपको और ये जानवर दिखेंगे जिस तरह की हालत बनी हुई है, क्योंकि आम आदमी जब यहाँ से चलता है तो काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है उसको, एक तो गाड़ी से बचना है, दूसरा इन जानवरों से बचना है, क्योंकि ये आसपास देख सकते हो इन लोगों की दुकानें हैं, क्योंकि ये जितनी भी गंदगी है इसकी स्मेल जितनी भी जाती है सब ये लोग दिन भर इसी का आनंद लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अब तो हम इस चीज़ की परवाह भी नहीं करते, क्योंकि जितनी गंदगी जगह पर फैलाई जाती है कहीं ना कहीं लोगों का भी बड़ा हाथ है, दुकानदारों को भी बड़ा हाथ है इस जगह पे गंदगी डालना, एक जगह पे अगर गंदगी डालेंगे सब लोग तो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट बच्चे यहाँ से निकलते हैं कोई हॉस्पिटल के लिए कोई स्कूलों के लिए, और आसपास ये सब्जी की दुकानें भी लगी हुई हैं, रेड़ियाँ लगी हुई हैं और ये मक्खियाँ इनके ऊपर बढ़ती हैं, कितनी गंदगी फैली हुई है ये पूछिए नहीं, शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं आसपास की, और बस स्टैंड की इस तरह की हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी बस स्टैंड के अंदर ट्रैफिक या पुलिस का अधिकारी नहीं मिलेगा आपको, पूरे आसपास सिर्फ जानवर एक चीज़ है, जानवर यहाँ इस जगह पर मिलेंगे। फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास जोड़ा।